हेलो, वेलकम बैक। ये जो आप मशीन देख रहे हैं, ये ओवरलॉक की मशीन है। इसको इंटरलॉक की मशीन भी कहा जाता है। आज मैं इसकी साफ़ सफाई और इसको ऑयलिंग करके बताऊंगी। तो सबसे पहले ये मैंने एक छोटा सा कपड़े का पीस लिया है। इसको इस तरह अच्छे से साफ़ कर लेना है, क्योंकि जब हम इस मशीन से कपड़े को ओवरलॉक या इंटरलॉक करते हैं, उसके बारीक बारीक धागे निकलते हैं, रुए निकलते हैं, वो इसमें फंस जाते हैं। तो इस तरह छोटा सा कपड़ा लेके, कॉटन का कपड़ा लिया है मैंने, इसको अच्छी तरह से साफ़ कर लेना है। जहाँ तक भी ये कपड़ा पहुँच पाता है या आपका हाथ पहुँच पाता है, वहाँ तक आप पहले हाथ से साफ़ कर लें। और मैंने एक ये इस तरह का टूथब्रश भी रखा हुआ है, इससे भी मैं इसको साफ़ करती हूँ, क्योंकि अंदर के जो पार्ट्स रहते हैं, वहाँ उनको साफ़ करने के लिए ये ब्रश काम में आता है। इसके अलावा ये मैंने एक चिमटी भी रखी हुई है, प्लग कर इसे इस मशीन का धागा भी डाला जाता है। तो इससे भी इस तरह जो मशीन के अंदर तक कचरा फंस जाता है, तो इस तरह उससे भी इस तरह बाहर निकाला जा सकता है। जैसे भी अपनी सहूलत के हिसाब से आप इस तरह कर सकते हैं, तो आप इसको अच्छे से साफ़ कर लीजिए जहाँ तक भी आप कर सकते हैं। तो क्योंकि इसके जो पार्ट्स होते हैं एकदम खुले होते हैं, ऊपर दिखते हैं, तो बारीक बारीक रहते हैं, उनको साफ़ करना बहुत ज़रूरी होता है, नहीं तो मशीन की सिलाई सही नहीं आती है। अब इसको मैं तेल दे रही हूँ, ऑयल कर रही हूँ इसको। यहाँ पे इसके पॉइंट दिए गए हैं जहाँ पे भी ऑयल डालना है। तो एक यहाँ पे पॉइंट है, ये जो ये यहाँ पे भी इसका पॉइंट है, तो अच्छे से खुला इसको ऑयल देना है। तो उसके बाद यहाँ पे भी पूरा अंदर तक इसके जो पार्ट्स रहते हैं, सबको अच्छे से ऑयल कर देना है। जहाँ से इस जिस तरह आप देख रहे हैं, मैं उसको काफ़ी ऑयल दे रही हूँ। इससे क्या होगा कि ये मशीन बहुत ही स्मूथ चलती है और सिलाई भी बहुत अच्छी आती है। इस तरह घुमा घुमा के उसको अच्छे से ऑयल करना है। तो मैंने इस मशीन में धागा कैसे डालते हैं उसके ऊपर भी वीडियो बनाया हुआ है, उसका भी लिंक किसी के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, वो आप वहां से आप देख सकते हैं। सिलाई मशीन की सफाई, उसकी ऑयलिंग और सिलाई मशीन में धागा कैसे डालते हैं, उसके बारे में भी मैंने वीडियो अलग अलग से बनाए हुए हैं, वो भी आप देख सकते हैं। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करना, शेयर करना, चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। तो बहुत आसान है इसको ऑयलिंग करना। इस तरह घुमाते हुए ऑयल करके उसको थोड़ी देर इस तरह चलाना है आपको, बिना धागे के इस तरह सिंपली उसको चलाना है, ताकि जहाँ तक ऑयल नहीं पहुँच पाया है, इस तरह घूम घूम के ऑयल अच्छे से मशीन के अंदर चला जाएगा। तो ये मशीन बहुत ही स्मूथली चलेगी, बहुत ही सिंपल है इसको ऑयल करना। तो हर जगह जो जो भी इसके पार्ट्स घूमते हैं, वहाँ वहाँ सब जगह आप उसको ऑयल कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।